भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। कुछ साल पहले तक राजस्थान देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य हुआ करता था, लेकिन हाल ही में जारी हुई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश अब पहले स्थान पर पहुंच चुका है। आंकड़ों की माने तो वर्ष 2022 से 23 के दौरान उत्तर प्रदेश ने कुल 3.6 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया है, जो कि वर्ष 2017-18 के मुकाबले 25% अधिक है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन का हिस्सा 15.7% है, यानी लगभग 16% दूध का योगदान अकेला यूपी करता है। उत्तर प्रदेश भले ही दुग्ध उत्पादन के मामले में देश में सबसे आगे है, लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादन में अभी भी ये राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राज्य में प्रति गाय औसतन 3.78 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ने राज्य में आधुनिक डेयरी इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे न केवल दूध उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि इसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। सरकार ने मिनी नंदिनी योजना के तहत हाईटेक डेयरी इकाइयां स्थापित करने का फैसला किया है। इन डेयरी में केवल उच्च गुणवत्ता वाली देसी नस्लें की गायें जैसे गिर, थारपारकर और साहीवाल पाली जाएंगी, जिनकी दूध उत्पादन क्षमता अधिक होती है। एक इकाई पर लगभग 23.60 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसमें सरकार और लाभार्थी दोनों का योगदान शामिल होगा। डेयरी इकाइयों में गायों की खरीद में खास ध्यान रखा जाएगा, ताकि केवल उच्च उत्पादकता वाली गाय ही चुनी जाए। इससे दूध उत्पादन में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी और पशुपालकों की आय में भी वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत कैटल शेड और अन्य बुनियादी संरचनाओं का निर्माण आधुनिक तकनीकों से किया जाएगा। उदाहरण के लिए पफ पैनल जैसी संरचनाओं का उपयोग किया जाएगा, जिससे मौसम के विपरीत प्रभाव से पशुओं की सुरक्षा हो सकेगी और उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। पफ पैनल न केवल पशुओं को ठंड और गर्मी से बचाती है, बल्कि शेड की जीवन अवधि भी बढ़ाते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को सशक्त बनाना है और उन्हें आधुनिक तकनीक से परिचित कराना है। इस योजना के तहत पशुपालकों को वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वो पशुओं की देखभाल और दुग्ध उत्पादन में नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए ऐसे किसानों का चयन किया जाएगा जो गौ पालन का 3 साल का अनुभव रखते हैं। इस तरह का प्रशिक्षण केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालकों को अपने काम में दक्षता और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। ये योजना खासतौर पर छोटे और सीमित किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के जरिए कम लागत में अधिक दुग्ध उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसान न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।